पंजाब में आए दिन लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और हर बार पुलिस बाद में लकीर ही पीटती नजर है। इस बार मामला सामने आया है फरीदकोट के गांव पक्खी का, जहां पर एचपी के पेट्रोल पंप पर चार अज्ञात बाइक लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और पंप पर मौजूद करिंदे के हाथ से कैश का बैग छीनकर उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल गंभीर रूप से जख्मी हुए करिंदे गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लोग आपस में बैठे थे दोनों लोग, तो पंप पे दोनों लोग काम करते थे, तो उधर चार दो बाइक पे चार लोग आए, तो दो एक उधर खड़ी कर दी, एक ऑफिस के पास एकदम खड़ी कर दी, आके घेर लिया आके, तो पिस्तौल लगा दी मेरे सामने। दोनों लोग घबरा गए और वो भागा जैसे, तो उसको पिस्तौल मार दी पीछे से, मैं साइड से होकर भाग गया पीछे से। वारदात जी मिला था वो दसन दे उन्होंने सी जी, वह पैसे खोए अंदर उन्होंने, एक इन्हों इधर भज गई पर भज गया, एक साढ़े घर भज गए, गोली भी चलाई, गोली चली है जी, खड़का सू पूरा घर सुनया, कोई बंदा जख्मी हो बंदे भी पूरा जख्मी है जी, ए फैल वजह सू तो खड़का सुने अं भज के आए इधर उदू भज गए जी, कहते चार जने असी नाकाबंदियां करवा दी जिस तरह उन्होंने खुलिया दसिया दस के, बाकी असी कोशिश कर रहे हैं भी इन्होंने बंदे जल्दी जल्दी। लुटेरे किन्ने के दसे जा रहे हैं? वो चार दस रहे हैं जी हले, वो जैसे नाल एक बंदा जो वह भी पूरा नहीं दस रहा, चार बंदे दस रहे हैं, दो साइड से सी दो उत्थे सी, कोई एक ने फायर वर्क किया मोटरसाइकिलों से जी, मोटरसाइकिल भी इन्होंने हले कोई पता नहीं। जागृति लहर के लिए फरीदकोट से गुरजीत रमाणा की रिपोर्ट।